अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करने लगे हमारे पास मेडिसिन का एक नया यूनिट विच इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सीवीएस मेडिसिन। रेस्पिरेटरी हम कर चुके हैं, जितने भी हाई वेटेज वाले यूनिट्स हैं मैं पहले कराऊंगी। सीवीएस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका M1 पेपर होता है मेडिसिन 1 का इसमें से, और बहुत ज्यादा इसमें से आता है, ठीक है। आपके ACQ, वाइवा, MCQ, OSPI कुछ भी इसके बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। और सबसे पहले जो स्टार्ट करना है मैंने सीवीएस मेडिसिन को, मैंने ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से करना है। वैसे तो टॉपिक्स की बात की जाए तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, MI है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वगैरह है, और कुछ वाल्व डिजीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर चीज की बेसिस मैं आपको बता दूं, पूरे सीवीएस की बेसिस आपकी एक ECG पे होती है। मतलब आप हर सीवीएस की डिजीज में, बल्कि आप चेक कराने चले जाए ना हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजिस्ट को, पहले कहते हैं कि पहले ECG करा के और फिर मेरे पास आना, दूसरी वो बात नहीं करते। तो वो ECG ही अगर आपको ना पता हो, पता ही ना हो कि उसमें क्या हो रहा है, तो आप कोई भी पैथोलॉजी डायग्नोस नहीं कर सकते। आपके पास आगे जितनी हम पैथोलॉजीज पढ़ेंगे सब में हम जिक्र करेंगे भाई ये आ रहा है वो आ रहा है। और दूसरी बात ये कि आपकी हर OSPI में बाकायदे तौर पर ECG आ जाती है और आपसे कहने के बताएं कि इसमें क्या फाइंडिंग्स है और डायग्नोसिस दें। तो डेफिनेटली यू शुड नोइंग के हम ECG क्या करते हैं, क्या देखते हैं। मैं बहुत बेसिक नॉलेज से शुरू करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ने ECG से पहले पढ़ी होती शायद फिजियोलॉजी में, और वो तब तक की बातें बंदे के जहन में फ्रेश नहीं होती, ठीक है। अब आपको वो बातें फ्रेश करने के लिए किसी और बुक को रेफर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उससे बेहतर है कि मैं वो बातों से स्टार्ट कर लूँ थोड़ा सा बेसिक से। एंड डेफिनेटली मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको उन सब चीजों की रीजन बताऊं जो हो रही है। आपको बता दिया जाता है कि स्टेमी में ST सेगमेंट एलिवेशन MI होता है, एंड स्टेमी में नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन है। लेकिन व्हाट इज ST सेगमेंट यार, या फिर वो है तो वो क्यों एलिवेट हो रहा है, व्हाई इट इज गेटिंग डिप्रेस्ड, मतलब ये तो कोई भी नहीं बताता। इवन तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता एज फार एज आई नो कि आपके पास ECG की लीड्स क्या है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड्स क्या है, और किस तरह से हमारे पास ये होता है सिलसिला कि हम कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रोड्स हैं और 12 लीड्स हैं। मतलब ये सारा सिलसिला क्या है, लीड किस तरह बनती है, और हर लीड क्या प्रेजेंट करी। एक नॉर्मल ECG हर बच्चे को पता होगी, ये PQRS और T कॉम्प्लेक्स सबको पता है, और ये भी बहुत सारों को पता होगा कि लीड 2 में होता है। लेकिन बहुत सारों को ये नहीं पता होगा कि बाकी लीड्स का क्या मकसद है, किस तरह हम MI को डायग्नोस करते हैं। तो इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एड्रेस करूं इन क्वेश्चंस को। जिन स्टूडेंट्स को ये बेसिक नॉलेज आती होगी, शायद बहुत सारों को इवन आती होगी, तो बेशक इसको मतलब तेज देख लें, ओमिट कर दें, लेकिन यू शुड नो एटलीस्ट। आपने अपने जहन में रिफ्रेश जरूर करनी, मैंने इसीलिए इससे ही शुरू किया। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हुए बिस्मिल्लाह हमारे ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है कि हमने हार्ट के अंदर होने वाली एक्टिविटी को, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी, उसको एक ग्राफ की शक्ल देके अपने सामने प्रेजेंट कर लिया। अच्छा, ये रिकॉर्ड हम किस तरह से करते हैं, हमारा क्या ऐसा तरीका है जिससे हम कहते हैं कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो रही थी। जरा से ये भी मेरे ख्याल रिवाइज कर लेते हैं, छोटी सी बात है। ये आपके पास हार्ट है ना, ऐसे करके पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आपकी मतलब मेजर वेसेस वगैरह जो मैंने कर ली। आपको पता है कि यहाँ हमारे पास एट्रियम एलिवेटेड होता है, SA नोड। यहाँ पर आपका ये सपोज हम कर लेते हैं एट्रिया है, ये हमारे पास वेंट्रिकल्स है, ठीक हो गया। अब ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो डेफिनेट सी बात है राइट एट्रियम में हमारे पास पड़ा हुआ होता है SA नोड। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, उसके बाद ये इम्पल्स ट्रेवल करके जाती है इधर AV नोड में। AV नोड इस जगह पर पड़ा होता है, ठीक है, आपके इंटरवेंट्रिकल या इंटर एट्रियल एरिया में। उसके बाद SA नोड से AV नोड में आई, AV नोड से ये नीचे आ जाती है बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स में एंड आपके वेंट्रिकुलर मसल में, ठीक है। यूं करके डायरेक्शन इसकी होती है जाने की, और एंड में आपका ये सारे वेंट्रिकल्स पर फ्यूज होते हैं। तो ये एक नॉर्मल इम्पल्स है जो SA नोड जनरेट कर रहा है और आगे की तरफ एक्ट करे। ये इम्पल्स क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक हो रही है या नहीं हो रही, इम्पल्स कैसे जनरेट हो रही है, कौन से एरियाज कब पर फ्यूज हो रहे हैं, ये कौन से एरियाज में कब इम्पल्स जा रही है, ये सारी बातें हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चल जाती हैं। अच्छा, इसके रिकॉर्ड करने का ये तरीका होता है कि हमारे कुछ लिम्ब पे हम, यानी बाजू टांगों पे लीड्स लगाते, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और कुछ हमारे पास इसकी चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। याद रखना इलेक्ट्रोड्स और लीड्स में फर्क होता है। इवन मुझे जब मैं शायद छोटी थी, और मतलब सेकंड फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे लगता था कि इलेक्ट्रोड्स वो चीजें हैं जो हम लगा रहे हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और लीड हम तारों को कहते हैं जो उनके साथ लगी हुई होती है। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोड्स तो वही चीजें हैं जो कि हम लगाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन लीड्स तारे नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। जो तारे उन इलेक्ट्रोड्स के साथ जुड़ी हुई होती है उनको लीड नहीं कहते। पहले हम इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली एक कंडक्टिव मटेरियल की बनी हुई चीज होती है जो कि करंट को कंडक्ट करती है और ECG मशीन तक लेके जाती है और पहुंचा देती है, ताकि उसे पता चल जाए ECG मशीन को कि क्या चीज आई है मेरे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टिव मटीरियल। एक आप समझे कंडक्टिव पैड होता है, चेस्ट पे आपने 6 इलेक्ट्रोड्स लगाने होते हैं। कहाँ पे लगाने होते हैं, यहां से शुरू करते हैं आप, V1 आप लगाते हैं फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, राइट स्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। ये स्टर्नल है, इसके राइट बॉर्डर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस,
V2 आप लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, फिर आप जो V4 है वो लगाते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन में, ये क्लेविकल है इसकी मिड लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे V4 लगा देते हैं, और V2 और V4 के दरमियान में एग्जैक्टली दरमियान में आप V3 लगा देते हैं, ठीक हो गया, V1 2 3 4 हो गए। अब हमारे पास आते थे V5, तो V5 आप लगाते हैं इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो आपके एक्सिला की इंटीरियर लाइन है उसमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आप लगा देते हैं V5, और V6 भी आप इसी लाइन में आ गए यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन पे। तो ये तीनों इन लाइन होते हैं विद ईच अदर, तो इस तरह आपके 6 हो जाते हैं आपकी चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स और 4 होते हैं आपके लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स को 4 डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं और आपने अपनी कलर वाला अपनी जगह पे ही लगाना होता है, रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स होते हैं, और रेड इज ऑन द राइट आर्म आपकी, ठीक है, बिल्कुल आपने उस जगह लगाना होता है जिधर आपका अल्ना का स्टाइलेट प्रोसेस होता है, यहाँ पे कलाई पे लगाना होता है। येलो है आपका लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट लिम्ब पे, ग्रीन है आपका लेफ्ट साइड के आपका जो फुट का एंकल वाला एरिया उस जगह पे, एंड ब्राउन है आपका राइट वाली साइड के, ब्लैक है आपका राइट वाली साइड पे लोअर लेग के एरिया पे, ठीक है। तो रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड एंडिंग एट द राइट, इस तरह से होता है। तो आपके पास ये हो गए सारे इलेक्ट्रोड्स, आपके 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स एंड 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, अब ये मिला के तो बन जाते हैं 10, ठीक है। हम जो ईसीजी की रीडिंग देखते हैं उसमें तो हमारे पास होती है 12 रीडिंग्स या 12 लीड्स उनको हम कहते हैं, तो ये कैसे बनती है, तो इसीलिए मैं अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि लीड क्या होती है। तो जिस तरह मैंने आपसे बता दिया कि इलेक्ट्रोड तो 12 है लेकिन इलेक्ट्रोड तो 10 है लेकिन लीड्स 12 कहां से आ गई, तो होता ये कि लीड्स आर बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोड की इन्फॉर्मेशन है उसको जब हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर इलेक्ट्रोड की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि किस हिसाब से प्रेजेंट हो रही है, उसको हम लीड कहते हैं। लीड तारों को नहीं कहते, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रोड है तो फिर से 10 तारें निकल रही होती हैं, 12 तारें नहीं निकल रही होती, तो हमारे पास जो लीड्स है वो तो 12 आती है। तो लीड्स क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोड से गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक हो गया, याद रखने का। कभी भी कोई पूछे व्हाट आर द लीड्स इन ईसीजी, दे आर द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स विच आर प्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो चेस्ट लीड्स हैं उनको तो हम अलग अलग हर लीड को कहते हैं कि वो प्रेजेंट कर रही है एक एक चीज को, ठीक है, V1, V2 से लेकर V6 तक। लेकिन जो लिम्ब लीड्स है ना उनको हम इस तरह ही प्रेजेंट करते हैं कि जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स है सॉरी उनको हम इस तरह नहीं प्रेजेंट करते कि रेड इलेक्ट्रोड येलो इलेक्ट्रोड, उनका ये तरीका नहीं होता। उनकी इन्फॉर्मेशन कम्बाइंड फॉर्म में हमारे पास आती है, ठीक है, वो इसी जो मशीन ट्यून होती है कि उसने उसी तरह से भेजनी होती है। किस तरह कम्बाइंड होती है कि सपोज मेरे पास जो लीड 1 जिसको मैं कहती हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे देती है राइट, और जो आपका ये रेड और येलो जो इलेक्ट्रोड है यानी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, इन दोनों को मिला के जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो होती है लीड 1, ठीक है। राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मिला के लीड 1 बनती है। इस तरह लीड 2 होगी आपकी, वो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देगी, मैं अभी आपको बताती जाती हूँ लीड 3 में। तो बेसिक लीड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको जो इन्फॉर्मेशन देती है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की समेशन होती है। अच्छा, उसमें हमारे पास फिर क्या हिसाब है, ये आपके पास जो मैंने बता दिया 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं ये तो अलग अलग सब कुछ प्रेजेंट करेंगे, जबकि लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि दो दो लीड्स को मिला के हम करते हैं, जैसे लीड 1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ राइट आर्म प्लस लेफ्ट आर्म, ठीक हो गया। देन आपके पास जो लीड 2 है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग, ये और ये। अच्छा, याद रखने ये जो आपकी राइट लेग है ना इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये सिर्फ आपका समझ ले अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है, इसको आप भूल जाएं, आपके ये 3 मेन है इन्हीं से आपने सब कुछ करना है, ठीक है। तो जो लीड 2 है इट इज बिटवीन राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग, मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये लीड्स आपके हार्ट के कौन से पोर्शन को प्रेजेंट करें, क्योंकि ये जो लीड्स में इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोड से आ रही है ये मजाक नहीं हो रहा, ये आपका बाकायदा हार्ट का एक एक पोर्शन प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कुछ जो है वो लैटरल करती है, कुछ इन्फीरियर पोर्शन करती है, ये आपका लैटरल पोर्शन होता है, ये इन्फीरियर होता है, वो एंटीरियर होता है, कुछ पोस्टीरियर होता है, तो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो लीड 2 इज फ्रॉम दिस एंड दिस राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग, एंड जो आखिरी लीड 3 रहेगी वो जाहिर है लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग होती है, लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग। थोड़ी सी चीजें ना ये आपकी याद करने वाली, इसमें कोई बात आप ये नहीं हो सकता कि लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग ऐसे, ठीक है, कोई बात इसमें ऐसी नहीं हो सकती कि आपको बिल्कुल ही मतलब नहीं याद करने पड़े, इसीलिए याद करने वाली बातें हैं। तो ये 3 लीड्स ऐसी होती हैं जो कि दो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर इन्फॉर्मेशन देती हैं। फिर ये जो 3 लीड्स है ना आपकी, दीज आर कॉल्ड एज ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। ऑगमेंटेड का मतलब ये है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इस तरह से आती है कि दो इलेक्ट्रोड्स की मिली हुई तीसरी की तरफ जो जाता हुआ करंट होता है वो शो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करते हैं हम AVR, तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती है लीड, ये दे रही होती है इधर से, ठीक है, लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग, इन दोनों ने जोड़ बनाया होता है लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग टू वर्ड्स
राइट आर्म, तो इस तरह आप लिखते हैं टूवर्ड्स राइट आर्म, ठीक हो गया। इन दोनों को मिला के टूवर्ड्स वो, ये हो गया आपकी एवीआर का। इसी इसमें जो आपका ये आर शो कर रहा है ना, ये इसके साथ है, राइट आर्म की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एवीएल है, ये है आपका राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग। हम इतने को ये ना, हमें पता है कि देखिए बाजू तो दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन टांग बेचारी एक है, तो दोनों बाजुओं ने पहले एक एक टांग के साथ जोड़ किया, यानी पहले लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग ने जोड़ किया टूवर्ड्स राइट आर्म, ठीक है। फिर अब राइट आर्म और लेफ्ट लेग जोड़ कर रहे हैं, राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग टूवर्ड्स, जाहिर सी बात है लेफ्ट आर्म, इसी वजह से इसको एवीएल कहते हैं, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट आर्म की वजह से है। और तीसरा जो अब रहेगा कि दोनों बाजू जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ और टूवर्ड्स ये फुट होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा राइट आर्म प्लस लेफ्ट आर्म टूवर्ड्स लेफ्ट लेग, ठीक है, लेफ्ट लेग। इसमें एवीएफ इस वजह से कहते हैं कि आप समझ लें कि ये लेफ्ट फुट है, तो आपने इससे याद रखना होता है कि आर इज टूवर्ड्स राइट आर्म, एल इज टूवर्ड्स लेफ्ट आर्म एंड एफ इज टूवर्ड्स लेफ्ट फुट, कर लें आप अपने जहन में। जब आपको एक चीज याद होगी तो जाहिर है बाकी दोनों का प्लस ही कर रहे हैं ना, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास इस सारी कहानी में प्रेजेंट क्या हो रहा है, हार्ट के कौन कौन से एरियाज प्रेजेंट हो रहे हैं, ये जब तक नहीं करेंगे तो हमारे पास इस सारी कहानी का मकसद ही पूरा नहीं होगा। तो जरा इस इम्पोर्टेंट सी बात को एक दफा एड्रेस करते हैं। अब आप जरा सोचें कि मेरे पास हार्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं कि एक हार्ट का मैंने कहा लैटरल एरिया है, ठीक है, ये वाले लैटरल बॉर्डर्स है, दिस इज द इन्फीरियर पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन, ठीक हो गया। और जाहिर है एक हार्ट का ये सेप्टम है, ये जो आपको दरमियान में नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप अपने जहन में वैसे लोकेशन मिले हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगा। पहले इन चेस्ट लीड्स की बात करते हैं, V1 और V2 हमने लगाई है बिल्कुल दरमियान में करके, ठीक है। तो ये मेनली प्रेजेंट करती हैं आपके सेप्टल एरिया ऑफ हार्ट को। सेप्टल एरिया का मतलब होता है ये जो आपका इंटरवेंट्रिकल और इंटर एट्रियल सेप्टम बन रहे ना, सेप्टल एरिया V1 V2 मेनली इसको शो करती है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है याद रखना, वरना आपकी कोई भी MI और कोई भी कंडीशन आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो V1 V2 क्या प्रेजेंट करिए, दरमियान में लगाइए, सेप्टल एरिया को प्रेजेंट करिए। ये बार आपके जहन में सवाल आता होगा कि भाई ये ज्यादा हमने मतलब मोर टुवर्ड्स राइट साइड जा रही है ना, और बाकी सारी लेफ्ट की तरफ है, तो ये राइट वेंट्रिकल को या राइट हार्ट को क्यों नहीं प्रेजेंट कर दी। तो बेसिकली इस वजह से क्योंकि हमारे पास राइट हार्ट जो है वो ज्यादा इस तरफ होता है, और अगर हमने खास तौर पे राइट वेंट्रिकल और राइट हार्ट को देखना होता है, उसके लिए हम लगाते हैं राइट साइडेड लीड्स। उसका मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट दूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका वाइवा का क्वेश्चन है कि व्हाट आर राइट साइडेड लीड्स, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहरहाल अभी आप इतना याद रख लें कि V1 V2 सेप्टल एरिया को प्रेजेंट करती है, V3 V4 अब आपकी प्रेजेंट करती है इंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को, यानी अगला जो पोर्शन है ना हार्ट का वो प्रेजेंट हो रहा है आपका V3 V4 से। मैं बातों को स्ट्रेस से दे रही हूँ, ये सारी बेसिक्स है, यही आपको नहीं जब समझ में आएंगी तो आपको आगे कोई बात समझ नहीं आ सकती। V5 और V6 प्रेजेंट करती है लैटरल वॉल ऑफ हार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल कोने पे जा चुकी होती है, तो लैटरल को प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपकी होगी चेस्ट लीड्स की प्रेजेंटेशन। अब आपने देखना होता है जब आप ECG पढ़ रहे होते हैं ना, इसकी इम्प्लीकेशन वहां पे आएगी, मैं आपको बताऊंगी सब कुछ, डोंट वरी। ECG जरा लंबा टॉपिक है, टाइम लेगा, लेकिन मैं सब बताऊंगी इंशाल्लाह। ECG आप जब पढ़ रहे होते हैं तब आप देखते हैं कि अगर आपकी नॉर्मल ECG आपको पता होती है कि किस तरह बनती है, वो मैं आपको बताती हूँ, तो फिर आपको पता चलता है कि यार सपोज मेरे पास चेंजेस आ रही है V3 V4 और V5 में, तो मेरे जहन में आएगा कि डेफिनेट सी बात है ये कोई ऐसी लीजन है जो एंटीरियर एरिया और थोड़ा सा लैटरल एरिया ऑफ द हार्ट को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। तो इस तरह इसकी इम्प्लीकेशन होती है। अब जो लीड वन का कुछ इस तरह से सिलसिला है कि अब ये देखें दो इलेक्ट्रोड से मिलकर आ रही है इन्फॉर्मेशन इसकी, तो ये कौन से प्रेजेंट करती है, मैं तो जो याद रखती हूँ ना वो इस तरह से कि जो ये वाली सारी 6 की 6 लीड्स है ना, इनने दो ही चीजें प्रेजेंट करनी है, या ये लैटरल वॉल ऑफ हार्ट को प्रेजेंट करेंगी क्योंकि ये एक साइड पे है, या इधर है या इधर है, या ये इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि पांव नीचे की तरफ है, ठीक है। तीन ही लीड्स है ना, तीन ही इलेक्ट्रोड है ना आपके, एक दो और तीन। ये वाला इलेक्ट्रोड जो ब्लैक वाला, ये तो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इसको खाते में नहीं लाना, ये तीन आगे। तो हमारे पास जो लीड वन है देखें वो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म से इन्फॉर्मेशन ले रही है, इसका मतलब दोनों साइड्स वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही है, नीचे वाली कोई भी नहीं आ रही, इसलिए ये लैटरल वॉल को प्रेजेंट करती है। मैंने तो इसी तरह याद रखा है, डेफिनेट सी बात दोनों साइड है, तो नीचे वाली तो कोई बात ना हुई। जो लीड टू है ये ले रही है राइट आर्म और लेफ्ट लेग, अब यहां से ऊपर से नीचे चीज आ रही है, तो इसका मतलब ये इन्फीरियर वॉल को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी लीड थ्री होगी ये ऊपर से नीचे अगेन आ रही है, तो इसका मतलब ये कि आपका ये भी इन्फीरियर वॉल को प्रेजेंट कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑगमेंटेड लीड्स। ऑगमेंटेड लीड्स अभी आपने इस चीज को देखना है जिसकी तरफ डायरेक्शन है, पीछे वाली को आपने नहीं देखना, ठीक है। अब AVR में डायरेक्शन है आपके राइट आर्म की तरफ, इसका मतलब है कि एक साइड पे बात जा रही है, तो साइड वाली चीज लैटरल वॉल ऑफ हार्ट को प्रेजेंट करती है। AVL में बात फिर से आपकी जा रही है लेफ्ट आर्म की तरफ, साइड वाली बात लैटरल वॉल ऑफ हार्ट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें AVF में आपका लेफ्ट लेग पे बात जा रही है नीचे की तरफ, इसका मतलब फुट वाली बात है, तो आपका इन्फीरियर वॉल प्रेजेंट होगी।
तो अगर आप आपसे कोई कहेगा कि बताएं कि विच ऑफ द लीड्स देर इज वो आप सिनेरियो थे कि कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू विद अ सीवियर चेस्ट पेन और हमें पता चला कि उसको इन्फीरियर वॉल MI है, ECG में आपको किस किस लीड्स में चेंजेस नजर आएंगी। अब यहां से आप खुद देख लें इन्फीरियर वॉल MI कहां कहां होगा। ये लिखा है हमने इन्फीरियर लीड 2 में, इन्फीरियर लीड 3 में एंड इन AVF, ठीक है। तो लीड 2, लीड 3 एंड AVF में आपके पास होगा ये चेंज इन्फीरियर वॉल MI का, ठीक है। अब वो आपसे कहते हैं कि क्यों ये वाली लीड्स शो करेंगी, तो आप बताते हैं कि कार्डिक एक्सिस इस तरह से है। अब कार्डिक एक्सिस को मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ कार्डिक एक्सिस क्या होता है, ताकि आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कार्डिक एक्सिस के साथ कि वो क्या होता है। और कार्डिक एक्सिस बेसिकली आप एक याद रख लेना बात कि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट हार्ट में पता होनी चाहिए, ठीक है। हार्ट आपको मैंने बनाया उसमें करंट ऐसे नोड से नीचे की तरफ आता है, इन्फीरियोरिटी की तरफ आ रहा है ना, और फिर लैटरल वॉल की तरफ जा रहा है। तो आपके पास जो कार्डिक एक्सिस है वो इस करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग ही बनता है। बाद में मैं आपको बताऊंगी अगले पार्ट में, ठीक है, बड़ा वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास इतना फिलहाल याद रखें, लीड 2, 3 और AVF ने प्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि लीड 2 में आपकी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म प्रेजेंट हो रहे हैं, दोनों साइड्स पे आते हैं, तो जाहिर है वो सॉरी राइट आर्म और लेफ्ट लेग प्रेजेंट होते हैं ऊपर और नीचे वाली चीज, तो वो आपका इन्फीरियर वॉल को प्रेजेंट करता है। ये इसकी रीजन है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास जो चीजें इस तरह से जा रही है, आप इसी चीज को देखें हार्ट की कौन सी डायरेक्शन जा रही है, तो हार्ट का ये इन्फीरियर वॉल बन रही है ना, तो इससे हम ये कह देते हैं, ठीक है। हार्ट की ये वाली भी इधर से अगर कोई चीज आएगी तो इन्फीरियर वॉल अगेन बनाएगी, लेकिन हार्ट की कोई इधर ही चीज रहेगी तो वो आपको लैटरल वॉल कह देंगे। तो ये वाली बातें हैं सारी की सारी, मतलब दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप थोड़ा सा याद रखते हैं। बाकी मैं अगले पार्ट में आपको बताती हूँ ये बात कि किस तरह से आपने और किसी पैथोलॉजी को लोकलाइज करना है। अगर आपसे कोई कहेगा कि इंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को कौन प्रेजेंट करे, तो V3 V4 कह रही है। अगर आपसे कोई कहेगा लैटरल वॉल को कौन प्रेजेंट करे, तो V5 V6 लीड 1 लीड AVR एंड लीड AVL ये सारी प्रेजेंट कर रही है लैटरल वॉल को, तो ये आपने याद रखना है। अगले पार्ट में बहुत सारी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखेंगे कि आपकी डिफ्लेक्शन किस तरह से हो रही है, और मैं आपको ये रीजन आप इसमें पता चलेगी आपको कि ECG वेवफॉर्म किस तरह से बनती है, ये ऊपर पीक क्यों आती है एंड वगैरह वगैरह। सो अभी तक कोई मसला हो के नास्ट में, थैंक यू।